जो आप सोचते हैं अपने आसपास की दुनिया में, जिंदगी में और नेचर में, तो हर दिन आपको इंस्पिरेशन मिलता है, एक फूड मिलता है, फूड मिलता है। उसी फूड पर जीने का नाम है स्पिरिचुअल लाइफ। जो आदमी सिर्फ फिजिकल फूड में जिए तो वो जस्ट लाइक एनिमल होगा उसका जीना, उसकी जिंदगी एनिमल जैसी जिंदगी होगी। एनिमल से ऊपर होकर जीना जो है उसके लिए है जो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन में जीने लगे, जो खुदाई इंस्पिरेशन में जीने लगे। उसकी एक मिसाल मैंने दी आपको, यानी पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूं और सोचते सोचते क्या बात मिलती है कि खुदा का एक लिविंग प्रूफ, गॉड का एक लिविंग प्रूफ। कि जब मैंने सोचा कि मेरे और पेड़ के बीच में एक एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जो मशहूर कॉल है, इन कंपैरिजन दैट वी अंडरस्टैंड, तो मैंने कंपेयर करना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि यूनिवर्स में कहीं भी ये नहीं हो रहा है। देखिए, कोऑपरेशन तो पूरे यूनिवर्स में है। आप जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलता है, लेकिन कोऑपरेशन और एक्सचेंज दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक फिलासफर ने कहा कि नेचर का ये ला है कि ईच फॉर ऑल और ऑल फॉर ईच, सब एक के लिए और एक सब के लिए, यह है कोऑपरेशन। पूरे यूनिवर्स एक दूसरे से कोऑपरेट करके चल रही है, लेकिन एक्सचेंज एक अलग चीज है। वो एक एक्सेप्शन है जो इंसान और दरख्त के दरमियान होता है, दोनों के बीच में लेना देना होता है, दोनों एक दूसरे के लिए गिवर भी हैं और टेकर भी। तो आप जानते हैं कि यूनिवर्स बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी। इतनी बड़ी यूनिवर्स में बिलियन ट्रिलियन नहीं, बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा आइटम्स है, और इतनी बड़ी यूनिवर्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन इंसान और दरख्त के बीच में, एक खुला हुआ इंटरवेंशन को प्रूव करता है, इंटरवेंशन इंटरवीनर को प्रूव करता है, इंटरवीनर जो खुदा को प्रूव करता है। ये जब सोचा मैंने तो मुझे एक स्पिरिचुअल फूड मिला, यही है कौन रब्बानी, रब वाले बनो, रब वाले बनो, यानी रब ओरिएंटेड थिंकिंग लाओ, रब ओरिएंटेड थिंकिंग, रब ओरिएंटेड स्पीच, रब ओरिएंटेड लाइफ, रब ओरिएंटेड बिहेवियर। ये है रिलीजन और ये है इस्लाम। रिचुअल्स का नाम रिलीजन नहीं, रिचुअल्स का नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम या रिलीजन नाम है स्पिरिचुअलिटी में जीने का।